आप लोगों ने यकीनन अपने मोबाइल का वॉल्यूम ऑन किया होगा, पर आपको गलती हुई है, मैंने कुछ भी नहीं बोला था। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह ताला की रहमत, फजलो करम और शुक्र से आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो बाकी सारी वीडियो से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टूडेंट्स को बताने लगा हूँ कि आप लोगों ने बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर आप लोगों ने पेपर अटैम्प्ट कैसे करना है। तो आप लोगों ने यूट्यूब के अंदर पेपर अटैम्प्ट करने के डिफरेंट मेथड्स देखे होंगे, और लेकिन मैं आज आपको जो मेथड्स बताने लगा हूँ, अगर आपने उसको फॉलो कर लिया तो आपके अच्छे से अच्छे नंबर आएंगे और आपकी परसेंटेज इंशाल्लाह 90% से अबव आएगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वो पेपर मेथड बताने लगा हूँ और आपको फुल गाइड करूँगा कि आप लोगों ने शुरू से लेके एंड तक आपने बोर्ड एग्जाम की जो उनकी शीट होती है, जो उनकी अंत शीट होती है, आपने उसे अटेम्प्ट कैसे करना है, आपने बबल्स को कैसे फिल करना है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए एक शीट बनाई है, तो इसके अंदर अभी मैं आपको इसे अटेम्प्ट करके दिखाता हूँ। एक मेरे पास क्वेश्चन पेपर भी है और मैं उसके जरिए आपको आंसर कैसे आप हेडिंग बनाएंगे और उसके जरिए मैं आपको पूरा जैसे पेपर सॉल्व करते हैं वो आपके आपको करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले ये मैंने खुद ही एक आंसर शीट बनाई है और मेरे पास कोई दूसरी शीट नहीं थी, इसलिए मैंने क्वेश्चन पेपर लिया, उसकी बैक साइड पे ही ये ड्रा कर दिया, जैसे कि आंसर बोर्ड एग्जाम की आंसर शीट के ऊपर जो जो फर्स्ट पेज होता है, तो मैंने वो यहाँ पे ड्रा कर दिया है। और अंदर से देखें वैसा नहीं है, पर मैंने इसे अटैच कर दिया, और मेरे पास ब्रॉड लाइन शीट नहीं थी इसलिए मैंने फोर लाइन शीट से यूज़ की है, और लास्ट पे मैंने ये जो सा पेज होता है ये मैंने मैथ के पेपर के साथ अटैच कर दिया। तो यहाँ मैंने वो बैक साइड जो सा पेज होता है वो मैंने यहाँ पे ड्रा कर दिया है। तो अभी स्टार्ट करता हूँ। आप लोगों के पास जब भी पेपर आएगा तो आपको ऑब्जेक्टिव जो सा है वो सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ वो 15 सेकंड्स देंगे। तो 15 सेकंड के अंदर आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले अगर आज डेट क्या है, आज डेट है यहाँ पे आपने 12 लिख लेना है अगस्त और 2021, आप लोगों ने ये कर दी। रोल नंबर मेरा है जो वो है 947 and 731। आपने सबसे पहले जो ये लाइन है आपने इसके अंदर 9 को ढूंढना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपने जो सा 9 जो सा बबल होगा आपने उसको फिल कर देना है। इसी तरह आपने 4 को फिल कर देना है और इसी तरह आपने यहाँ पे 7 को फिल कर देना है, और यहाँ पे भी आपने दोबारा से 7 को कर देना है, और यहाँ आपने आपने 3 को फिल कर देना है, यहाँ आपने आपने 1 को फिल कर देना है। इसी तरह नेक्स्ट नंबर पे आ जाता है पेपर कोड। पेपर कोड का मतलब ये होता है आपको जो भी जो ऑब्जेक्टिव पेपर मिलेगा उसके जो उनसे राइट कॉर्नर पे आपको 4 टर्म्स लिखी होंगी, 4 कोई भी नंबर होंगे आपने उन्हें लिख लेना। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 7 4 1 6, आपने यहाँ पे 7 को ढूंढना है, 1 2 3 4 5 6 7, आपने 7 को यहाँ पे फिल कर देना है, और 4 को दोबारा से आपने यहाँ पे कर देना है, और दोबारा से 1, और फिर यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो ये जो सा सॉल्व हो जाएगा, और इसके बाद डेट आ जाती है, आपने यहाँ पे दोबारा से डेट लिख देनी है 08 and 2021। और अब आगे आ जाता है, अगर आपका पेपर मॉर्निंग में है तो आपने मॉर्निंग कर देना है, मैं यहाँ पे अगर आपका इवनिंग में है तो आपने इवनिंग कर देना है। तो अभी मैंने मॉर्निंग कर दिया। अगर आप 9th क्लास में भी पढ़े हैं, अगर आप मैट्रिक में पढ़े हैं तो फिर आपने पार्ट 2 करना है, अगर आप 9th में पढ़े हैं तो आपने पार्ट 1 कर देना है। तो मैं यहाँ पे पार्ट 1 कर रहा हूँ। तो यकीनन आप लोग एनुअल पेपर दे रहे होंगे तो आपने यहाँ पे एनुअल पे कर देना है। अगर आप सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट मैं यहाँ पे कर देता हूँ, सब्जेक्ट मेरे पास अभी जो सा पेपर है फिजिक्स का, तो मैं यहाँ पे फिजिक्स ही लिख देता हूँ, फिजिक्स मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और यहाँ पे मैं अपना नेम लिख देता हूँ, यहाँ पे मैंने अपना नेम भी लिख दिया है, और यहाँ पे फादर नेम लिखना है, तो मैंने आपने यहाँ पे फादर नेम भी लिख देना है, और आपका जो सा रोल नंबर है आपने उसे या उर्दू में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। तो यहाँ पे मैं अपने साइन भी कर देता हूँ। तो यहाँ पे सुपरिटेंडेंट जो होगा वो आपके पेपर के अंदर खुद ब खुद साइन कर देगा, वो आपके पास आएगा और साइन करने के लिए। इसके बाद जो सा आपने ये जो सा काम है ये आपने 15 मिनट के पहले करना है। तो आपने ऑब्जेक्टिव भी हल करना है, और उसके बाद आपने ये जो सी बबल्स होते हैं आपने इनको भी अटेम्प्ट करना है। इसी तरह आपने एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करना है, जो सा आपने पेपर कोड वहाँ पे लिखा था वो भी आपने यहाँ पे लिखना है 7 4 1 6। इसी तरह ये आपने 7 को ढूंढना है, और 4 and 1 and 6 आपने बबल्स इस तरह फिल करने हैं कि कोई भी जो सी इंक है वो आपके
बबल के बाहर ना जाए, क्योंकि ये जो से चेक होते हैं ये कंप्यूटराइज चेक होते हैं, अगर इनके अंदर जरा सी भी गलती हो जाए तो आपका जो सा एमसीक्यूज होता है उसके जो से मार्क्स होते हैं वो कंसिडर नहीं किए जाते। तो इसी तरह आपने एमसीक्यूज करने हैं। एमसीक्यूज अगर आप पहला एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर रहे हैं तो अगर उसका पार्ट ए ऑप्शन है तो आपने उसके ए पे कर देना है, अगर आप सेकंड एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर रहे हैं अगर उसका आंसर सी है तो आपने सी पे कर देना है, इसी तरह बी सी, इसी तरह आपने सारे अटेम्प्ट करने हैं, आपने कोई एमसीक्यू नहीं छोड़ना। तो दोबारा से आ जाते हैं जी आंसर शीट के ऊपर, आंसर शीट के मन। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोगों को 15 मिनट्स जो दिए जाएंगे ऑब्जेक्टिव को हल करने के लिए, आप लोगों ने 15 मिनट्स के अंदर अंदर आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव को हल करना है। अगर आप लोगों ने 15-10 मिनट के अंदर अगर आपने ऑब्जेक्टिव को हल कर लिया, आपने बबल को फिल कर लिया, आपने हर चीज़ क्लियर कर लिया, रोल नंबर शमल लिख लिया, अपना नाम भी लिख लिया, फादर नेम लिख लिया, तो डेट भी लिख लिया, तो इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों के पास जो 5 मिनट बच जाएंगे आप लोगों ने, आप लोगों को पहले ही वो आंसर शीट दे देंगे। तो आप लोगों ने क्या करना है, उन 5 मिनट के अंदर आप लोगों ने लाइंस लगाना शुरू कर देनी है। तो 5 मिनट के अंदर अंदर आप लोगों से जितनी लाइनें लग सकती हैं आप लोगों ने उतनी लाइनें लगानी है। तो सिर्फ फर्स्ट पेज पे डबल लाइन लगानी है, इसके अलावा किसी और पेज के ऊपर डबल लाइन नहीं लगानी। अगर आप लोगों के पास लास्ट पे टाइम बच जाता है तो फिर आप लोगों ने सारे पेजेस के ऊपर डबल लाइन उसी के ऊपर ही डबल लाइन कर दबाना लेनी है। दबाइयो तो मैंने यहाँ पे लाइन लगा दिया है और आगे मैं भी लाइनें नहीं लगा रहा। तो फर्स्ट पे आप लोगों ने क्या एडिंग देनी है, अगर आपका फिजिक्स का पेपर है तो ये देखें नीचे भी एक पेपर पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे जिस जैसे मैंने एडिंग दी हुई है ये देखें आप, पहले केमिस्ट्री का ऊपर ये पूरा एक एग्ज़ाम मैंने टेस्ट दिया था, और ऊपर मैंने पहले केमिस्ट्री की एडिंग दी है, फिर सब्जेक्टिव, फिर सेक्शन, और फिर नीचे क्वेश्चन नंबर वन, और इसी तरह मैंने क्वेश्चन नंबर वन का फिर नीचे पार्ट शुरू कर दिया। क्वेश्चन नंबर वन फंक्शनल ग्रुप, ये इसकी डेफिनेशन लिखी है और नीचे उसकी एग्जांपल दे दी है, और इसी तरह आगे फिर टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसी तरह उन दोनों को हाईलाइट करके लिख दिया है, इसी तरह एरोमेटिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन किया, उसकी एग्जांपल दी है, और इसके साथ स्ट्रक्चरल फार्मूला की डेफिनेशन एग्जांपल, और यूजेस ऑफ ऑक्साइड्स आपने ऐसे लिखना है अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो इसी तरह जो भी क्वेश्चन है उसके अंदर आप लोगों ने लाजमी हेडिंग देनी है, अगर हेडिंग नहीं भी बनती तो आपने फिर भी हेडिंग लाजमी देनी है, क्योंकि इससे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है जो भी चेकर होता है। तो अरहेनियस को बेस है, इसी तरह मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी और साथ इसके एग्जांपल, और ये देखें अब लॉन्ग पोर्शन आ जाता है जो कि क्वेश्चन नंबर 5 होता है, इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर 2 लिख देना है यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन, और लॉ ऑफ मैथ सेक्शन ये लॉन्ग है, आपने इसकी जो सी डेफिनेशन है उसे आपने कॉमर्स के इनसाइड लिखना है। तो इसी तरह नेक्स्ट जो सी इसकी है हेडिंग है वो डेरिवेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर जनरल रिएक्शन है, और इसी तरह आप लोगों ने इसके अंदर जो सी भी हाईलाइटेड चीज़ होती है बुक के अंदर आप लोगों ने उसे भी ऐसे ही हाईलाइट करना है, और सेकंड जो सा लॉन्ग है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, इसी तरह आपने सारी उसकी प्रॉपर्टीज लिखनी है और साथ साथ उनके एक एक एग्जाम्पल देनी है रिएक्शन विद, ठीक है, आपने इस तरह एरो डाल के आपने ऐसे अटेम्प्ट करना है। ऑटो आयनाइजेशन लॉस लॉन्ग का पार्ट है, आपने इसकी एडिंग देनी है, और इसी के साथ ऐसे वाटर की एग्जांपल जो सी आपने हाईलाइट करके देनी है। तो आपने ऐसे पेपर अटेम्प्ट करना है, तो यहाँ पे भी मैं वैसे ही करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने वैसे ही हेडिंग देनी है, और सेकेंड पे सब्जेक्टिव वैसे ही, सेक्शन ऐसे ही, जैसे ये पेपर दिया है आपने ऐसे ही अटेम्प्ट करना है। आप एक दफ़ा फिर देख लीजिए इसे, ये देख रहे आपके पास ऐसे ही शीट होंगी, आपके पास ऐसे ही एक दस्ता होगा, बस उसके फर्स्ट पेज और लास्ट पेज उसका ऐसा होगा जैसे मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ये तो ऐसा ही होगा, बस उसके अंदर आप समझ लें ये शीट आपने रख देनी, आपका पेपर ऐसा होना चाहिए सारे का सारा। तो इसी के साथ एंड करते हैं, तो आप ये नीचे टेस्ट देख सकते हैं, ये भी ऐसे ही है, आप लोगों ने इसे भी देख सकते हैं, ये भी अच्छा लिखा हुआ है, और ये देखें अगर आपके पास न्यूमेरिकल आ जाएगा फिजिक्स का पेपर है तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर न्यूमेरिकल की हेडिंग देनी है, नीचे गिवन टू फाइंड फार्मूला सॉल्यूशन, देन ये आपने ऐसे करना है इस टाइम, तो ये नीचे भी हैं वो शीट्स। तो ये देख लें,
तो इसी के साथ आज की वीडियो एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।